Welcome, guys. क्या बात है, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है त्रिशला। पिया, पिया तुम ऐसे उठ के कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। कितना आराम करती माँ, लेटे लेटे बहुत बोर हो गई थी तो सोचा आपकी मदद कर दूंगी तो इसी बहाने चल फिर लूंगी। लो, इस चलने फिरने के चक्कर में फिर से चक्कर खा के गिर पड़ी तो? डोंट वरी चाची, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अंशर पापा गए हैं ना मुझे ठीक करने का तरीका ढूंढने। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, उन्हें गए हुए तो काफी वक्त हो गया, तो आ जाना चाहिए था। और ऊपर से वो बता के भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। पिया तुम बस मेरे साथ। अंश आ गया। पिया? पिया की बुआ भी है? मुझे भी अभी पता चला है। पिया तुम कितनी बड़ी हो गई हो? इतने साल बाद भी आपने मुझे पहचान लिया। खून के रिश्तों को पहचानने में कोई देरी लगती है क्या? बचपन में आपको देखा था, उसके बाद आज देख रही हूँ। परसों बाद मिले हैं, लेकिन मिले तो हैं। ये बात ज्यादा मायने रखती है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ, आइए ना। माँ ये मेरी बुआ, अब बुआ ये मेरी माँ, मेरा मतलब मेरी सास। नमस्ते। और ये चैताली चाची, मेरी चाची सास। मेरे ससुर जी और अविनाश चाचू, ये पुलिस में है। हेलो। और अंश से तो आप मिल ही चुकी हैं। पिया तुम्हारे ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे इतने अच्छे परिवार में शादी हुई है। तुम्हें पता है, तुम्हारे माँ बाप से पहले मुझे पता था कि तुम दैविक हो, लेकिन तुम्हारी शादी दावंश से हुई है ये सुनकर मैं थोड़ी सी हैरान तो हुई हूं। देखो ना, आपके आते ही जैसे पिया की जान वापस आ गई। कौन कहेगा कि कुछ देर पहले इसे चक्कर आ गया फिर से। पिया, 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 क्या, क्या, पिया तुम ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अश्योर? तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पिया, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हारे चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है कि तुम अंदर से बहुत कमजोर हो गई हो, पर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। बस एक विधि करनी होगी, उसके बाद तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। तो आज रात ही विधि कर लेते हैं? नहीं, आज रात नहीं। क्यों? आज रात क्यों नहीं?
क्योंकि अभी उस विधि का वक्त नहीं हुआ है। तो कब होगा सही वक्त? मैं आपको बताऊंगी, पर तब तक मैं यही रहूंगी मेरी पिया के साथ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, अंश इसमें रीवा वंशी हथियार हैं और इनको हाथ लगाने की इजाजत मैं किसी को भी नहीं देती। ठीक है, चलिए। इंतजार अब खत्म हुआ, अब वार करने का वक्त है। हाथ पत्थर क्यों बन गया? हाथी तभी पत्थर बनता है जब उसके आजू बाजू कोई काली शक्ति हो। यह कौन सी काली शक्ति है? अरे दरोगा जी, हम सच कह रहे हैं, हमारी मौसी जी का मर्डरर जो है वो हमारी मिसेज जी नहीं है बल्कि वो पन्ना आंटी थी जो अभी भागी है यहाँ से, घोड़ी जो है। देखो, अब तुम बेकार की बातें करके अपना और कानून का टाइम वेस्ट मत करो। हमने तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी अपनी वाइफ को ढूंढने और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए। अभी नई कहानी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे। पतिदेव जी, आप मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन मैं तो यही थी। अरे नहीं नहीं, अरे मिसेस, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे क्या है? पर मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे 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 दरोगा साहब, हम आपसे बोल रहे थे ना कि यार हमारी मिसेज जी ने कोई खून नहीं किया। अरे मुझे छोड़ो। नहीं, साबी जी कंट्रोल करिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात पे यकीन करिए, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। चुप रहिए। हमें पहले से शक था, तुमने अपनी बीबी को छुपा रखा है। अरे नहीं भाई, ले चलो इसे। अरे रुकिए, सुनिए। अच्छा ठीक है दरोगा साहब, आपको असली खून ही चाहिए ना, हम आपको बताते हैं कौन है असली खून। हमारी मिसेज जी ने हमारी मौसी का मर्डर नहीं किया है बल्कि हमारी मौसी का मर्डर हमने किया है। हमने। नमन। हाँ अम्मा, आप क्या करें, हम आप बताओ ना तुम, अब हमने किया है मर्डर। नमन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास क्या कर रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं दरोगा साहब को। हाँ पतिदेव जी, आपने मुझसे सच छिपाया, अगर आप मुझे सच बता देते तो मैं आपको थोड़ी पुलिस वालों के हवाले कर देती। और ऊपर से आप मुझ पे शक कर रहे थे। चाहिए, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बोलो उसे और इसे गिरफ्तार करो। अब क्या करें, गुनाह हमने किया है तो सजा भी हम ही को मिलेगी। बस दिक्कत एक बात की है कि रात को 11 बजे से पहले जब तक हम अपनी चमगादड़ को नहीं देख लेते हैं सो नहीं पाते। ले चलो। पतिदेव जी, मैं पतिदेव को मत लेके जो, मैं पतिदेव को छोड़ दो, मैं पतिदेव को छोड़ दो प्लीज। देखिए बुआ, मैंने आपकी सारी मनपसंद चीजें बनाई हैं। तुम तो काफी छोटी थी जब मैं घर से गई थी, तो मैं कैसे पता मुझे क्या क्या पसंद है? बाबा बताया करते थे, जब भी हम खाने पे बैठते बस यही कहते, ये त्रिशला की फेवरेट चीज है, ये त्रिशला को बिल्कुल नहीं पसंद है। मीठा आपकी कमजोरी है ये भी बाबा ने ही बताया था। इसलिए मुझे जितनी मिठाइयाँ पता थी मैंने सारी बना दी। वो तो ठीक है, लेकिन इतना खाना, इतनी मिठाई। अरे इतने दिनों बाद आप मिली हैं, इतने दिनों की कसर तो निकाल ली है ना। चलिए अब खाना शुरू कीजिए वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। तुम्हें पता है
बहुत मुश्किलों से मैं परिवार को छोड़ के गई थी। अब इतना प्यार करोगी ना तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा मेरा। जाने तो मैं आपको वैसे भी नहीं दूंगी, इतने सालों बाद मिली है। वैसे बुआ, आप माँ और बाबा के साथ काम करती थी ना? हाँ। मतलब आपको सारी कहानियां पता होंगी, मुझे वो सारी कहानियां सुननी है आपसे। आप सुनाएंगी ना? जरूर। तुम्हें पता है तुम्हारे पैदा होने से पहले ना दिव्या भाभी की ना एक फ्रेंड थी। अंश, यहाँ कितनी खुश लग रही है ना। हाँ माँ, हमेशा परिवार से दूर रही है ना। पहले पापा से दूर हो गई और फिर माँ से, हमेशा अकेली ही रही है। वाह, आप तो घनघोर बहादुर हैं। अरे देखो, इन समय में एक चीज तो भूल गई, मैंने आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, बस अभी लेकर आती हूँ। प्लीज नहीं, बहुत खाना है। अरे आप टेस्ट तो कीजिए, बहुत अच्छा है। पिया, 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 क्या वो? बैठो, नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। अरे ठीक, पिया बैठ जाओ, चक्कर काके गिर जाती तुम। वही तो, दिन भर ऐसे भाग दौड़ करके काम करती रहोगी तो चक्कर तो आएगा ना पिया। नहीं चाची, वो बस अचानक से, अब मैं ठीक हूँ। पिया देखा आपने त्रिशला कितनी जिद्दी हो गई है, ये अपने बारे में सोचती ही नहीं है। हम तो समझा समझा के थक गए लेकिन ये समझती नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा आराम कर ले, अब बस आप ही जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। हमारी पिया ने हमारे घर के लिए, हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि इसने अपनी जान का एक हिस्सा भी दे दिया मुझे। इसीलिए इतनी कमजोर पड़ गई है। इसे ऐसे देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। अब इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। मुझे पता है कि पिया ने इस परिवार के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सहा है इसने। मैं इसका दर्द दूर करने ही तो आई हूँ। मेरी पिया, अब तुम अपने सारे पुराने दर्द भूल जाओ, अब एक नई शुरुआत होगी। बस मुझ पे भरोसा रखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आप लोग सब ना जाकर टेरेस पर बैठिए, मैं चाय वहीं पर लगवाती हूँ। चलिए आइए। हाँ ठीक है, चलो। साजू गुरमा, वो लोग मेरे पति देव जी को लेके गए और आपने कुछ बोला भी नहीं, अब क्या होगा? चार दिनों का प्यार और अब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सनम जस्ट Stop it. तुम्हें मदद नहीं करती है ना, मत करो। पर प्लीज अपना मुंह बंद करो, एटलीस्ट हमें कुछ सोचने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, उस अकल के दुश्मन को पुलिस के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो जुर्म कबूल कर लिया जो उसने किया ही नहीं। गुरुमा, आई थिंक नमन के दिमाग में कुछ चल रहा है। मतलब वो जो जाने से पहले चमगादड़ वाली बात की ना उसने, मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। खाक मतलब होगा, 11 बजे से पहले चमगादड़ को देखे बिना नींद नहीं आएगी, ये कोई बात हुई? हाँ, पर उनकी चमगादड़ तो मैं हूं ना। ओ, पर फिर उसने ये क्यों कहा कि 11 बजे चमगादड़ को देखे बिना मैं सो नहीं पाऊंगा? एक सेकंड, नमन चाहता है कि तुम 11 बजे जेल जाओ। क्यों? उसे भगाने के लिए। तुम नहीं गए? चलो ना सब साथ में मिलके चाय पीते हैं। चलो। क्या हुआ अंश, परेशान लग रहे हो? क्या मैं?
और मेरे देखते देखते पाउडर गायब हो गया। हो सकता है वो भी बुआ का कोई तरीका हो मुझे ठीक करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि उसके लिए वक्त है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी कर रही थी तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं कर रही थी। और ऊपर से उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो तुम्हें कैसे ठीक करेगी, कौन सी विधि करने वाली है। अंश, क्योंकि वो एक रीवावंशी है और रीवावंशी अपनी टेक्निक्स आसानी से किसी को नहीं बताते। अंश, वो मेरी बुआ है, जो भी करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। लेकिन पिया, अंश मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन इस वक्त तुम बेवजह ही बुआ पर शक कर रहे हो। मानती हो तुम उन्हें अच्छे से नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ, बाबा जानते हैं, बुआ मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बुआ के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, चलो ना। भैया क्या हुआ? भैया अचानक से हाथ में दर्द होने लगा। दिखा। अंश इतना स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं है, हो सकता है मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया है ना, इसलिए दर्द हुआ होगा। तुम आ रहे हो ना, जल्दी। बिया सही कह रही थी, वो बिया की बुआ है, भला वो उसके लिए बुरा क्यों चाहेगी। मैं खामखा ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन अगर मेरे दिल में शक आया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की है कहाँ। अरे कैसे आप? अरे हम बहुत दिक्कत में हैं सनम जी, सच बता रहे हैं, लेकिन हमको पूरा यकीन था साबित जी आप आएंगी। लेकिन आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली यार, है? जितना हम सोचे थे उससे दो कदम आगे निकल गई आप। हमारा इतना डिफिकल्ट वाला कोड वर्ड जो था आपने क्रैक कर दिया। डिफिकल्ट नहीं, उसे घटिया कहते हैं। इतना घटिया था कि एक बच्चा भी क्रैक कर जाता उसे। नहीं इतना भी घटिया नहीं था, डिफिकल्ट था, मुश्किल था, मुझे भी नहीं समझ में आया। क्योंकि समझने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास तो है ही नहीं। खोलिए 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 दरवाजा खोलिए। अगर तुम्हें बाहर ही निकलना था तो ये फिर मर्डर का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? बापरे बाप, अबे तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आ गई बे? रियली ये अब जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं नहीं जानना, तुम बाहर जल्दी बाहर। कि मैं पुलिस के बदले खूनी की मदद कर रही हूँ। कौन है बे खूनी? तुम हो खूनी। हम खूनी उनी नहीं है समझी, पुलिस की नजरों में तो हो ना तुम खूनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।